चेयरमैन अडाणा, चेयरमैन जंजाल, दोनों ने अच्छी गुफ्तगु की है। मैं जरा इन लोगों से मुख्तलिफ हूँ और शायद बूढ़ा हो गया हूँ, तजर्बा भी ज्यादा है। मैं अक्सर रईयावर साहब से मुलाकात के बाद कहता था कि हमने 20 साल, हमारे 20 साल ज़ाया हुए हैं, बराए मेहरबानी इन्हें लौटा दीजिए। किस तरह ज़ाया हुए हैं वो चेयरमैन अडाणा ने जिक्र कर ही दिया है कि हमारे सबका MBA जो कि इसी इलाके से तल्लक रखते हैं, वो कभी किधर कभी किधर कभी किधर चलते रहे और 20 साल तक डबेली एरिया में तरक्याती काम नहीं हुए। जो गांव, जो इलाका 20 साल तक कोई काम ना हो उसका क्या हाल होगा। आप सबसे ज्यादा दूर इलाके का मैं हूँ, जाल का रहने वाला हूँ, बहुत से लोग पहचानते भी होंगे मुझे। इस वक्त हमारी हालत बहुत खराब है। हमें ये सोचना है, आज मैंने पहले अर्ज किया कि मैं इन लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, हमें ये सोचना है आज कि हमें ये तकलीफें क्यों दी जाती हैं, हमारा क्या जुर्म है, क्या कसूर है कि कोई भी वर्कर हमें जब मिलता है तो उसके साथ ज्यादती की जाती है। जैसा कि चेयरमैन जंजाल ने कहा है कि खान साहब आपका फैसला नहायत गलत है, इसे रिवाइज कीजिए, आपके चाहने वाले बहुत हैं, इस पंडाल में बैठे भी बहुत हैं और बाहर भी बहुत हैं, आपके फैसले से लोगों को दुख हुआ है, इसे बदलिए। हम चूंकि खान साहब के रूबरू मिलने के उस्ताद नहीं रखते, लेकिन यहाँ इस हाजिरी के लिए जो हाजिर हुए हैं तो ये तो कह सकते हैं और शायद हमारी आवाज पहुंच भी जाए कि ये आपका फैसला गलत है, इसे बदल दें। ये आवाम का नुकसान है, आपका शायद नुकसान हो या ना हो, लेकिन कई लाख लोगों का नुकसान है। वो ये कि जब कोई काम करने वाला आदमी हमें मिलता है तो उससे काम लिया ही नहीं जाता, उसे और झमेले में घसीटा जाता है। मैं जन्म के अरबाब अख्तियार से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आपको भी इस पे गौर करना चाहिए और इस फैसले को रिवाइज कराना चाहिए या करना चाहिए। चूंकि इस मुल्क की बदकिस्मती है, रवायत भी यही है कि जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का उसे सब अख्तियार दे दिए जाते हैं कि टिकट भी तुम दो, तरक्याती काम भी तुम दो, सारे काम तुम करो, सिफारिशें भी तुम करो, भर्तियां भी तुम करो। इसलिए मैंने जेलम के अरबाब इख्तियार को आवाज दी है कि आप लोगों को भी ऐसे वर्कर को गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपने गवाया तो आपका भी नुकसान होगा, हम पब्लिक हैं, हमारा भी नुकसान होगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं खान साहब से और जेलम के अरबाब इख्तियार से कि प्लीज ये फैसला बदल दें। बहुत सी बातें करना है लेकिन चूंकि पंडाल बड़ा है और लोगों को भी गुंजाइश देनी चाहिए। मैं इतनी अर्ज करूंगा कि हम आपसे खान साहब मिल नहीं सकते लेकिन दुआ तो कर सकते हैं और जरूर दुआ करेंगे।